कुमार अमृत जी, अमृत जी से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान के परिसर में आयोजित राज्यस्तरीय कला सम्मान प्रतियोगिता में आप भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रही हैं सिक्की आर्ट के माध्यम से। अपना परिचय देंगे? मेरा नाम राधा कुमारी हुआ जी। मैं मधुबनी जिला गयाम गांव से आई हुई हूँ। ये मेरा जो कला है ट्रेडिशनल कला है, मेरे गांव में, मेरे घर में सब लोग करते हैं। किसे सीखा आपने ये सिक्की आर्ट? दादी माँ जी और पापा जी से सीखे हैं। हमारे घर में मम्मी को नेशनल अवार्ड, स्टेट अवार्ड सिक्की क्राफ्ट से मिला है। क्या नाम? सुधीरा देवी। क्या? सुधीरा देवी। सुखीरा? सुधीरा। सुधीरा, अच्छा, सुधीरा देवी। और आप? चंद्र कुमार ठाकुर जी, उनको भी स्टेट अवार्ड मिला है सिक्की क्राफ्ट में। अच्छा अच्छा। मैं अभी स्टेट अवार्ड के लिए बैठी हूँ। श्रवण कुमार जो कि अपने वृद्ध माता पिता को तीर्थाटन के लिए ले जा रहे थे जी, बहुत ही सुंदर बनाए और संदेश भी दे रही हैं, बहुत अच्छा। हमारे समाज को विशेष रूप से यंगर जनरेशन, बच्चों, युवाओं को कि अपने माता पिता की सेवा करें श्रवण कुमार की तरह। आप अपना कला गुरु किसे मानती हैं? अपने दादी माँ, मम्मी और पापा। एक एक का नाम बताइए। नाम बताइए। सुधीरा देवी। सुधीरा देवी। बचपन में आपने सोचा था कि मैं भी एक सिक्की आर्टिस्ट बनूंगी, अपने जो अपने अपने परिवार के सदस्य, माता पिता, दादी माँ सब की तरह? हाँ, तो ये मेरा तो घर में ही हो रहा था, मैं पढ़ाई भी करती थी, लेकिन ये बचपन से देखती आ रही थी। मैं ये अब ये काम तो 10 साल से मैं करती आ रही हूँ, लेकिन हमारा यही था कि अगर हमारे दादी माँ मम्मी लोग कर रही है काम, ये इस लेवल पे है, तो हम भी इसको करके और आगे, ये जो मेरा क्राफ्ट है सिक्की का, तो जितने लोग जान रहे हैं और विदेश विदेश में ये मेरी कला फैले, इसीलिए हम पढ़ाई, अब मेरा ग्रेजुएशन फाइनल हो चुका है, तो हम इस कौन सा विषय, कौन सा विषय? इंग्लिश ऑनर्स। इंग्लिश ऑनर्स जी, आर्ट से। वही मधुबनी से? हाँ, मधुबनी से। गाँव के कॉलेज से ही मैं पढ़ी हूँ, लेकिन मैं अपने करियर में सिक्की को भी ले ताकि मतलब यंग आर्टिस्ट जो है, तो अगर हमें देखेंगे इस ग्राउंड में जो अच्छा है, तो वो भी अगर मन होगा तो कर सकते हैं। हम संदेश भी देना चाहते हैं कि अगर हैं आप युवा युवती तो कर सकते हैं, क्योंकि तो इसमें भी बहुत सारे ग्राउंड हैं, और ख़ास करके हम ये अपना जो कला है, ये इसको ट्रेडिशनल को बचाए रखने के लिए हम ट्रेडिशनल का काम कर रहे हैं, नहीं तो हम सिक्की पेंटिंग भी करते हैं। अच्छा। अगर वो करेंगे तो फिर ये काम उतना नहीं हम दिखा पाएंगे, तो हमारा यही सोच है। इतना मेहनत करना पड़ता है, ये इतना मेहनत करने की प्रेरणा कैसे मिली कि हिम्मत नहीं हारना है, धैर्य रखना है, मेहनत करते जाना है, दादी माँ माता पिता सबसे? क्योंकि आपके आज के यंगर जनरेशन में इतना धैर्य रख करके, बैठ करके, और लगता है कि ईश्वर की पूजा कर रहे हैं, ये भी एक कला साधना, एक तरह ईश्वर की पूजा ही है ना? कैरियर मान लिया, और मेरे ख्याल से लगता है ये आपकी पूजा भी है, ईश्वर की पूजा, कला साधना। बहुत ही मेहनत दिख रहा है, बहुत ही अच्छा कलाकृति है, जिसमें श्रवण कुमार जी हैं जो है वो दोनों ओर कंधे पर जो है वो डलिया में उनके अपने माता वृद्ध माता पिता हैं। और क्या संदेश देना चाहेंगी? आज हमारे समाज में जो है बच्चे जो है माता पिता की सेवा नहीं करना चाहते हैं, जबकि माता पिता जो है वो लाखों रुपया खर्च करते हैं बच्चों को पढ़ाने में। यही समझना चाहिए, बचपन में इतने अच्छे से केयर करते हैं, रखते हैं, तो उसी तरह अगर माँ बाप भी बुजुर्ग हो जाए तो उनको सेवा करना चाहिए, उसी तरह जैसे वो उनको बच्चे में केयर करते हैं। उसकी थोड़ी कमी है, वो समझना चाहिए अतिथि लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने क्या कहता है आज के माहौल में जहाँ की माता पिता को लोग भूल जाते हैं, उनकी सेवा नहीं करना चाहते हैं, उन्हें आपने इस कला के माध्यम से श्रवण कुमार को याद दिला है कि उन्हें श्रवण कुमार से प्रेरणा लेकर के माता पिता की सेवा करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएँ कि आप इसी तरह से कला का प्रदर्शन करेंगी और पुरस्कारों की बारिश हो और बिहार का नाम दुनिया में रोशन करेंगी। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं रंजन कुमार, अमृत दी, अमृत न्यूज़, पटना, बिहार। नमस्कार।